ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है प्रकाश स्तंभ। पुराणों के अनुसार भगवान एक ज्योति के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। पृथ्वी पर भरा अलग अलग जगहों पर दिव्य ज्योति के रूप में परमपिता परमेश्वर स्वयं विराजित हुए हैं और इन्हीं जगहों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इन 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद है उनके ऊपर ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान है। यही कारण है कि इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। लेकिन ज्योतिर्लिंग क्या है? यदि आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ एक कथा का वर्णन है जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में बहस छिड़ गई कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे और इस समस्या का हल निकालने के लिए भगवान शंकर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में वहाँ प्रकट हुए। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी से जब इस प्रकाश स्तंभ का कोई भी एक सिरा ढूंढने को कहा गया तो भगवान विष्णु ऊपर की ओर गए और भगवान ब्रह्मा नीचे की ओर, परंतु दोनों ही इस कार्य में असफल रहे। बाद में भगवान शिव ने इस प्रकाश स्तंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया जिसे आज आप और हम ज्योतिर्लिंग के नाम से पुकारते हैं। जब जब भोले बाबा मनुष्य की अटूट शक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुए तब तब उन्होंने स्वयं प्रकट होकर अपना आशीर्वाद दिया और वहां अपना प्रतीक चिन्ह यानी ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। इससे आप यह अवश्य ही समझ सकते होंगे कि ज्योतिर्लिंग हमेशा स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी भी मानव ने नहीं बनाया, अर्थात वह स्वयंभू है। हमारी पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग है तो आज हम आपको इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और उनके बारे में बताएंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। श्री सोमनाथ इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान पर है। सर्वप्रथम इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं भालुका तीर्थ में देह त्याग कर वैकुंठ गमन किया था। इसके साथ ही यहां त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। यहां पर 3 पवित्र नदियां हिरण कपली और सरस्वती का महासंगम होता है। नंबर 2 मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। महाभारत में दिए गए वर्णन के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहकर संबोधित करते हैं। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वह श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। नंबर 3 महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। भगवान शिव मध्य प्रदेश राज्य में अत्यंत पुराने शहर उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से निवास करते हैं। यहां भगवान महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। यहां की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। यहां गुरु संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। नंबर 4 ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। हरियाली की चादर ओढ़े ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडव जिले में मां नर्मदी नदी के तट पर मनधाता नाम के आइलैंड पर स्थित है। यहां मां नर्मदा ओम के आकार में बहती है, इसीलिए इसे ओंकारेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो चौथे स्थान पर आता है। यह ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से इसलिए अलग है क्योंकि यहां भगवान शंकर 2 रूप में विराजमान है, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग रूप में होने पर भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक ही गिना जाता है। नंबर 5 केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। उत्तराचल राज्य में हिमालय की घाटियों में केदारनाथ स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में से एक और पंचकदार में भी एक है। बहुत ज्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण यह मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर महीने तक ही खुलता है। भगवान शिव जी के केदार क्षेत्र को कैलाश पर्वत जितना महत्व दिया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और बाहर नंदी भगवान विराजमान है। नंबर 6 भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों में यह भीमशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में 6वें स्थान पर है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर शिरादन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटे होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाने जाते हैं। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल सभी मनोकामना पूर्ण करता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने के लिए आए थे। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश।
विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सप्तम ज्योतिर्लिंग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में काशी नगर में स्थित है। कहते हैं कि तीनों लोकों में न्यारी नगरी काशी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दो भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में माँ पार्वती और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ सुंदर रूप में विराजित है। गंगा नदी के किनारे बसे काशी को मुक्ति का धाम भी कहा जाता है। नंबर 8 त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में तीन छोटे छोटे शिवलिंग है। इन तीनों शिवलिंग को ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता है। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए थे, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था, इसीलिए यहां भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के नाम से निवास करते हैं। नंबर 9 वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। ज्योतिर्लिंगों में नौवां श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में अवस्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर भी कहा जाता है। वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए यह स्थान एक शक्ति पीठ भी है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। नंबर 10 नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जामनगर जिले के द्वारिका धाम से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। यह श्री द्वारिकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में से एक नागेश्वर भी है, नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर, इसीलिए यहाँ भगवान शिव नागेश्वर कहलाते हैं और माता पार्वती नागेश्वरी। नंबर 11 रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम का अर्थ होता है भगवान राम और इसीलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया था। रामेश्वरम शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, इसे सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना और इसकी पूजन किया था। नंबर 12 घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट दौलताबाद के पास स्थित है। यह घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्त घुष्मा की भक्ति के कारण प्रकट होने से भगवान शिव यह घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुए। इस मंदिर के निकट विश्व प्रसिद्ध अलौरा की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो यह थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। अगर आपको इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अच्छा लगा तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।